लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन के लिए शाहरुख खान भी गए। वहाँ पर शाहरुख खान ने दुआ पढ़ी, जिस तरह से इस्लाम में पढ़ी जाती है। लता मंगेशकर पूरे देश की धरोहर थी, और अगर शाहरुख खान जाकर दुआ पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से भी दिक्कत होने लगी, और कुछ लोग कहने लगे कि शाहरुख खान ने यहाँ पर थूका है, और शाहरुख खान को अपने इस्लामिक रीति रिवाज लता जी के अंतिम संस्कार में से ठीक पहले उनके पार्थिव शरीर के सामने नहीं करने चाहिए थे, जबकि वो तो सिर्फ दुआ पढ़ रहे थे। जाहिर सी बात है, शाहरुख खान जो भी हैं वो अपने दम पर हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे शायद पर्सनली ही जलते हैं, इसीलिए वो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ उल्टा ढूंढ ही लेते हैं। इस्लामिक दुआ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कोई दुआ पढ़ते हैं तो मुंह से हवा बाहर निकालते हैं, वही शाहरुख खान ने किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इन्होंने थूका। अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यकीनन इनका एक ही टारगेट होता है कि शाहरुख खान कब चलें, और वो चलने में बताएं कि चलने में इनका क्या गलती है, क्या इसमें हिंदुओं के खिलाफ है। अब ऐसे लोगों से कोई बहस भी नहीं कर सकता, और ऐसे लोगों को कोई सफाई भी नहीं दे सकता, कि जो लोग हर बात पर शाहरुख खान को टारगेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।